प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी को अभिनव में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको कॉपी कैसे लिखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हमें कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, अगर आप कॉपी सही से नहीं लिख रहे तो आपको मार्क्स कम सकता है। तो प्लीज़ इसीलिए अच्छे से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ बात बताऊँगा जिसको आपको अच्छे से ध्यान लगाकर सुनना है और वह गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो आपका निर्देश होता है यानी जो आपका निर्देश दिया रहेगा पेपर में, उस निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है ना, जो आपको पेपर मिलेगा उस पर जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको आपको अच्छी तरह से सबसे पहले उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आपको बताया रहता है इतना क्वेश्चन को आंसर आपको लिखना है, उसमें आपको बताया हुआ रहता है। तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए। क्या पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिए, जब ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ऑब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव अगर मान लीजिए आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव है और इसमें से आपको 50 ही बनाना है। क्या बनाना है, 50 ही बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें से जो आपको लगे अच्छे से याद है वही क्वेश्चन को आप बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में क्या करते हैं, जो आता है माइंड में उसको वो मार्कशीट में घस देते हैं। लेकिन आपको इस तरह से न करना है, आपको एक नज़र 100 क्वेश्चन पर डालना है, यानी सभी क्वेश्चन पर आपको एक नज़र डालना है और जो उसमें सबसे बेस्ट आपको जिसका आंसर माइंड में पूरे सेट होगा उसी में आपको वो मार्कशीट में वही घसना है। ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, बशर्ते आप सभी क्वेश्चन के जरूर पढ़िएगा। अब क्या करते हैं कि लगातार आप 50 को बना दिए, आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको 100 में 50 क्वेश्चन आसान जरूर मिल जाएगी। ठीक है ना, और जिसको आप आसानी से बना सकते हैं और जिसका आंसर आपको माइंड में होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते समय आप सभी को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बनाकर जमा करना होता है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव और वो मार्कशीट दिया जाएगा जिस पर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाकर उसको आप जमा कर दीजिएगा। इसका जो टाइम होता है उतना टाइम के अंदर आपको से वो मार्कशीट ले लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जब सब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव के बाद हुआ, आप समझ गए। अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब्जेक्टिव, तो देखिए सब्जेक्टिव बनाने से पहले आपको क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद उसको अच्छे से समझिए, तब उसका आंसर लिखिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें आंसर क्या देना है, तो आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी का उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, तो इतना ही आंसर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं दीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा सब्जेक्टिव बनाते समय। ठीक, क्या करना है आपको कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या करना है, देखिए सब्जेक्टिव लिखने से पहले आपको एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना है कि हमें हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर लिखना है। ठीक, क्या अच्छे से लिखना है, हैंडराइटिंग, आपको हैंडराइटिंग जितना अच्छा रहेगा ना मार्क्स आपको उतना अधिक आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। हैंडराइटिंग आपको क्या करना है, सही से लिखना है। ये कोशिश कीजिएगा कि जितना सुंदर हैंडराइटिंग हो उतना आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक्स है और कोई वाई है, ठीक ना, एक्स किसी प्रश्न को वो अपने एग्जाम में सही सही लिखा, सभी क्या लिखा, सही सही लिखा, लेकिन उसका हैंडराइटिंग सही नहीं है,
उसका राइटिंग देखने में भद्दा लगता है, और कोई वाई स्टूडेंट है जो पूरे प्रश्न को उत्तर दिया लेकिन उसका आंसर है ना जो गलत सही दोनों है, ठीक है ना, लेकिन उसका राइटिंग सुंदर है, तो आप इससे बेहतर नंबर आपको कभी आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको हैंडराइटिंग अच्छा है। ठीक, ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आपको हैंडराइटिंग क्या करना है, अच्छे से लिखना है। ठीक, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, फिफ्थ नंबर पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि कॉपी में जो भी आपको कॉपी है उसमें ज़्यादा कट कुट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अगर हम लिख रहे हैं अगर गलत हो गया तो उसमें इतना ज़्यादा काट देते हैं, इस तरह से आपको नहीं करना है, कोशिश करना है कि उसको हम न के बराबर काटें। हाँ, अगर मान लीजिए अचानक आपसे कुछ गलती लिखा गया तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए हम लिखे हैं यह शब्द, अगर ये हमसे गलती हो गया तो एक बार इसको इस तरह से कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको जो कॉपी है ना वो भद्दा नहीं लगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको गलत ना हो पाए। ठीक, तो ये समझ गए क्या करना है कि कॉपी में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कट कुट ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, हम पांच बात बता दिए, और कुछ छठा नंबर बात है आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉपी लिख रहे हैं, जब भी आंसर दे रहे हैं, तो उसमें आप एक भी प्रश्न को उत्तर नहीं छोड़िएगा। ठीक, अगर आपको आए या नहीं आए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको 15 को बनाना है, 12 को बना लिए, 3 को प्रश्न को आपको नहीं आ रहा है, तो आपको उसको भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम में आपको उस तीनों प्रश्न को भी नहीं छोड़ना है, पूरे के पूरे बनाना है, बेशक आप गलत क्यों नहीं बना रहे लेकिन आप पूरे प्रश्न को हल कर दीजिएगा। ठीक है ना, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, पूरे को बनाइएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहूँ। कुछ और बात है जो ध्यान रखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़ है कि डर नहीं रखना है अपने अंदर। बहुत सारे बच्चे के अंदर क्या होता है, डर होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय बहुत सारे बच्चे डरने लगते हैं कि एग्ज़ाम हमें अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा, हमको क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो ये सब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिसका गलत परिणाम ये है कि अगर आप डर जाइएगा ना तो आपको जो भी प्रश्न अच्छे से पता होता है वो भी प्रश्न आप नहीं लिख पाइएगा एग्जाम में, इसीलिए आप डरिएगा नहीं, क्योंकि डरिएगा तो आपको टेंशन हो जाएगा, और टेंशन हो जाएगा तब एग्जाम में जाइएगा, आपको जो भी प्रश्न का आंसर सही सही आता है उसका भी आंसर आप नहीं लिखिएगा। तो ये कोशिश कीजिएगा कि इसको डर खत्म रखें और बिल्कुल शांत रहिएगा, और हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है कि हम में नहीं पढ़े, हमें नहीं आया, या बनाकर एग्जाम देकर आ गए तो हम नहीं, इतना ही सही हुआ, वो सब टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है हमेशा, ठीक है ना, और जो होगा अच्छा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले वही प्रश्न बनाइएगा जिसका आंसर आपको बिल्कुल सही सही पता हो, ठीक है ना, वही प्रश्न आप सबसे पहले बनाइएगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए आपको 10 प्रश्न बनाना है और उसमें से आपको जिस प्रश्न का आंसर बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं उस प्रश्न को आप सबसे पहले बनाइएगा। ठीक, इस तरह से आप कॉपी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।